नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इस मुल्क को एक संघ बनाए रखने में कैसे एक अहमियत अदा करता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 क्लॉज 1 को रीड आउट करते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में जो वर्ड यूज हुआ है वो है यूनियन और ना कि फेडरेशन, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वर्ड यूज किया गया है उनके प्रियम्बल में वो है फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास होने से पहले काफ़ी डिस्कशन और डिबेट्स इस पे हुए कि जब हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर का होने वाला है, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर का होने वाला है, तो आखिर हम भी वो फेडरेशन टर्म क्यों ना यूज़ करें। तो इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने सभी सवालों को सुनने के बाद एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरेशन वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पे सभी राज्यों ने मिल करके एक फेडरेशन की स्थापना की है, यानी कि राज्यों ने आपस में एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया है। लेकिन भारत में सिनेरियो कुछ और था। भारत में ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में अपने आप को निहित कर लिया, यानी कि भारत एक संघ बन गया, एक यूनियन बन गया, जिसकी वजह से कभी भी भारत से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ जो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में आंसर करते वक्त बताई वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने के बाद जब वहाँ पर सिविल वॉर होने लगी तो वहाँ पे जितने भी राज्य थे जिन्होंने मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की, उन सभी ने अपने आप को अलग होने के अधिकार को त्याग दिया। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब एक फेडरेशन था तो वहाँ के राज्यों के पास ये अधिकार था कि वो जब चाहेंगे अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग कर सकते हैं, लेकिन सिविल वॉर होने के बाद उन्होंने अपने इस अधिकार को त्याग दिया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि ये स्थिति मैं भारत में नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों, आज आखिर आपने जाना कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के होने की वजह से भारत से कोई भी राज्य या प्रदेश भारत यूनियन ऑफ इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, और यदि यूनियन ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट को किसी दूसरे देश को देना चाहता है या अलग करना चाहता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा।